राहुल गांधी आजकल अमेरिका की यात्रा पर है और यात्रा के प्रथम चरण में डलास शहर पहुंचने पर हवाई अड्डे पर इनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने बड़े गर्मजोशी के साथ इनसे मिले। मिलने वालों में ओवरसीज कांग्रेस के सदस्य और प्रवासी भारतीय थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और बड़े बुजुर्ग भी थे। सभा में उत्साह था, खुशी की एक लहर थी। लोगों ने इन्हें तिलक भी लगाए। इनकी यह यात्रा 3 दिवसीय है और इसके बाद ये टेक्सास शहर जाएंगे और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी भी जाएंगे। और इस प्रकार से इनकी यात्रा है तो संक्षिप्त लेकिन बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन का दौर चल रहा है और वहाँ भारतीय मूल के कमला हैरिस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है। और कमला हैरिस इससे पहले भी राहुल गांधी से फोन पर वार्ता भी कर चुकी थी, इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई भी दी थी और उनका इलेक्शन चल रहा है तो कुछ लोग इस संबंध को भी जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी अमेरिका गए थे और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा के आए थे। हालांकि राहुल गांधी ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत इनकी यात्रा है, सीमित दौरे हैं। दौरे का खास महत्व है क्योंकि नेता प्रति के बाद ये वाशिंगटन डीसी भी जाएंगे और कई पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह से भी वार्ता होगी, प्रवासी भारतीय बिजनेसमैन और कई तरह के लोगों से वार्ता होगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सैम पित्रोदा का कहना है कि कई सारे लोग इनसे मिलने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं और इस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी की कद काफ़ी बढ़ा है। वैसे हालांकि भारत में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन गए तीसरी बार, लेकिन चर्चा में राहुल गांधी जरूर रहे और अब एक मैच्योर नेता के रूप में इनकी गिनती हो रही है और लोग इन्हें सुनना चाहते हैं। और वैसी स्थिति में यह यात्रा बड़ी ही महत्वपूर्ण है और देखते हैं राहुल गांधी इस यात्रा से कितना लाभ उठा पाते हैं। वैसे इन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात जरूर लिखा कि इनसे इस यात्रा से दोनों देश की संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संबंध मधुर होंगे। धन्यवाद।